10 कैसे डाउनलोड करना है। तो पहले आपको गूगल क्रोम पेज में यहाँ पे लिखना है डाउनलोड डाउनलोड विंडोज 10। यहाँ पे लिखने के बाद आपको इंटर कर देना। इंटर कर देने के बाद आपको मिलेगा डाउनलोड विंडोज 10, यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट नाउ, यहाँ पे आपको विंडोज अपडेट कर सकती है। फिर डाउनलोड टूल्स नाउ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा मीडिया क्रिएशन टूल्स यहाँ पे, तो आपको फिर आपको शो इन फोल्डर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। देने के बाद आपको मीडिया टूल्स यहाँ पे डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक करने के बाद यस में क्लिक करना। फिर आपको एक्सेप्ट क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी प्लस ड्राइवर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करना। फिर आपको जो टिक पर लगाना है यहाँ पे उठा देना। उठाने के बाद आपको जो भी लैंग्वेज चॉइस करना है तो इंग्लिश चॉइस कर लेना है। फिर आपको विंडोज डाउनलोड करना है तो विंडोज चॉइस कर लेना। देने के बाद आपको 32 बिट चाहिए तो 32 बिट सेलेक्ट कर सकती है। 64 बिट है चाहते हैं तो 64 बिट सेलेक्ट कर सकती है। और दोनों को 32 और 64 दोनों एक साथ आपको डाउनलोड करना है तो बहुत क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना। फिर आपको ISO फाइल आपको यहाँ पे सर्च कर लेना। फिर नेक्स्ट में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको जो डाउनलोड विंडोज कहाँ पे रहेगा तो उसको लोकेशन आपको सेट करना है। मैंने डाउनलोड पर सर्च कर लिया है। फिर आपको सेव में क्लिक करना। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है मेरा, अब डाउनलोड हो गया तो मैंने इसको काट देता हूँ। ऐसे करके आप डाउनलोड कर सकती है विंडोज 7। आपको कैसे डाउनलोड करना है, फिर आपको गूगल क्रोम में लिखना है गेट इनटू पीसी। आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको गेट इनटू पीसी है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। देने के बाद आपका राइट साइड में मिलेगा विंडोज 7। आपको लिखने के बाद आपको यहाँ पे 8 लिख सकती है और 8.1 लिख सकती है। जो भी विंडोज आपको चॉइस है वह सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन में आपको लिखना होगा। लिखने के बाद आपको गो में क्लिक कर देना। देने के बाद आपको जो भी आपको विंडोज चाहिए तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको जो विंडोज 8.7 8.1 10 यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड। देखिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना। क्लिक करने का तो ऑटोमेटिक आपको डाउनलोड हो जाएगा। फिर विंडोज आपको जो बूटेबल करना है तो कैसे सॉफ्टवेयर मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है रिफ्यूज़। लिखने के बाद आपको इंटर कर देना। देने के बाद रिफ्यूज़ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे रिफ्यूज़ 3.17 है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। फिर इसको क्लोज कर देना। इसको होने के बाद आपको ओपन करना है। देखिए यहाँ पे ओपन कर देना। फिर यस कर देना। यस कर देना। देखिए आपको जो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको डिवाइस जो आप पेन ड्राइव लगाएगा तो यहाँ पे आपको शो करेगा। और जो आप जो डाउनलोड विंडोज डाउनलोड करता है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना। जो भी ISO फाइल आपको डाउनलोड किया है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना। फिर ओपन कर लेना। देने के बाद आपको स्टार्ट में क्लिक कर देना तो आपको पेन ड्राइव पोर्टेबल हो जाएगा। दिस माई चैनल, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइबर। थैंक यू।